हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुपर पे एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, ये एक तरह का पेमेंट करने का ऐप है और साथ में आपको क्रेडिट कार्ड का भी फीचर देखने को मिलता है इसमें। अभी तक 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। यूज़ करने की बात करें, सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर एक्सेप्ट एंड गो सुपर पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर डालना है और OTP के थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ यूज़ योर आधार कार्ड नंबर लिंक, यानी जो आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस नंबर को यूज़ करना है। आप अदर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये कह रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर नंबर डालकर OTP डालकर इंटर करता हूँ। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑप्शन देखने के मिलता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर तुरंत तुरंत बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मिलता है QR स्कैन का। आप इस पर क्लिक करके अलाउ करके QR को स्कैन कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर आपको बिल पेमेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पर आप टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ से क्रेडिट स्कोर भी देख सकते हैं। इससे आप अपने फ्रेंड को, दोस्त को रेफ़र कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ओके, इसके बाद यहाँ पर देता है आपको नीचे सुपर पे का ऑप्शन। यहाँ पर आते हैं तो वही सब यहाँ पर डिटेल दिया है। ठीक है, यहाँ पर और है रेंट। आप इस एप्लीकेशन की वजह से आप कार्ड को रेंट पे ले सकते हैं, रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड। इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको डिटेल डालना होगा, योर फ़ोन नंबर, और उसके बाद आप कार्ड को रेंट पे ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसी तरह आप यहाँ पर टिकट टू कैश कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सुपर सिक्योर करके ऑप्शन है, नो क्रेडिट एट टू कैश का ऑप्शन दिया है। यानी बहुत सारे आपको फाइनेंशियली रिलेटेड इसमें टॉपिक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का मिलता है जिसमें आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई कैश लेंगे, कोई रेंट पे कार्ड लेंगे, सब यहाँ पर शो करेगा। पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए, बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। माई कार्ड का मिल जाएगा, यानी जो आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं लॉगआउट करना तो यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है और ये फीचर मैंने बता दिया है जो इस एप्लीकेशन में दिया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं।